तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल अजीत में। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप जैसे भी आपका जो चैनल है किसी भी मतलब मान लीजिए आप यूट्यूब का जीमेल आईडी बनाए हो या इंपॉर्टेंट जीमेल है जिसका आप पासवर्ड भूल चुके हो तो उसको आप आसानी से कैसे उस पासवर्ड को कैसे निकाल सकते हो ये आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में ध्यान से बने रहिए ताकि आपको भी आसानी से यहाँ पर पासवर्ड आप निकाल पाओ और अपने जो भूल गए हो पासवर्ड वो रिकवर कर पाओ। तो चलिए देर न करते अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पासवर्ड निकाल नहीं पाते। आप बहुत सारे यदि जीमेल बनाते हो और पासवर्ड आप भूल जाते हो जिसे निकाल नहीं पाते तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ जो आसानी से यहाँ पर आपका पासवर्ड आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आपके पास जिस भी आप जीमेल से आपको मतलब पासवर्ड निकालना है, जितने भी आपके पास जीमेल है उस जीमेल को आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डॉट दिख रहा है, थ्री डॉट दिख रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए थ्री डॉट दिख रहा है, यहाँ पर देखिए थ्री डॉट दिख रहा है, यहाँ पर मेरा प्रोफाइल वाला ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है जो कि आपको भी यहीं प्रोफाइल वाला पर यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्यों क्लिक करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इसलिए क्लिक करना है जो कि जिस ईमेल आईडी में जीमेल आईडी में आपको पासवर्ड निकालना है जिस जीमेल आईडी का उसको हमको यहाँ पर साइनअप कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको इस जिस भी जीमेल आईडी है आपको इस लोग को साइनअप कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों मेरा जीमेल आईडी है इसी में से मुझे पासवर्ड निकाल के आप लोगों को बताना है तो चलिए मैं आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं अपना जिस भी जीमेल है आईडी है ये हम आ चुके हैं, जो आप भी ऐसे करके आप अपना जीमेल आईडी जिस भी जीमेल आईडी से आपको पासवर्ड निकालना है उसको साइनअप कर लेना है। तो दूसरा स्टेप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए इस वीडियो में तभी आप लोगों को समझ आएगा। यहाँ पर पासवर्ड लिखा हुआ यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, आप यहीं पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जिस भी आप जितने भी वेबसाइट चलाते होंगे या तो जितने भी आप फोन पे वगैरह है, क्रिएटर स्टूडियो है, फेसबुक है, गूगल है, बैंक है, इंस्टाग्राम है, जितने भी जिसमें पासवर्ड आईडी है ये सारा चीज़ यहीं पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसे करके यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर लॉगिन करते हो जिस भी जीमेल आईडी से तो आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड चेकअप, ये देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए आप लोगों को फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर पासवर्ड चेकअप का ऑप्शन आएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड जो वाला ये ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है ताकि यहाँ पर जितने भी आप पासवर्ड आसानी से निकाल पाओ। तो यहाँ पर हम पासवर्ड पर यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 15 सेकंड के बाद आप लोगों को ये वाला ऑप्शन आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है नो कंप्रोमाइज पासवर्ड, दूसरा लिखा है यहाँ पर 14 रियूज पासवर्ड, मतलब मैंने 14 बार जितना भी है मैंने यहाँ पर यूज़ किया गया है पासवर्ड, और तीसरा में लिखा गया है यहाँ पर 11 विक्ट पासवर्ड, क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यहाँ पर क्रिएट यूनिक पासवर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखा है। तो आपको यहाँ पर सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड चेक करने के लिए आपको यहाँ पर जैसे 14 रियूज़ पासवर्ड लिखा है यहाँ पर आप लोगों को आप क्लिक कर देना। आप जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक इंटरफेस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले, जिस भी जीमेल आईडी में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये अपना जो पासवर्ड है यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, अब जिस भी जीमेल आईडी का यहाँ पर पासवर्ड निकालना है आपको यहाँ पर चेंज यहाँ पर पासवर्ड लिखा है, यहाँ पर थ्री डॉट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर वेंडिंग एंड्रॉयड यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिखा गया है, यहाँ चेंज या पासवर्ड लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर चेंज या पासवर्ड लिखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थ्री डॉट यहाँ पर ऑप्शन बताया गया है, यहाँ पर ये थ्री डॉट पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, व्यूज़, आपको व्यूज़ पर यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है।
आपको जैसे यहाँ पर व्यूज़ पर आप क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको पासवर्ड आप पूछा जाएगा, जो भी आपका स्क्रीन पासवर्ड है आपको यहाँ पर फट से यहाँ पर स्क्रीन पासवर्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट पासवर्ड है वो यहाँ पर ओपन होके आ चुका है, जो पासवर्ड यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो आसानी से यहाँ पर आपको यहाँ पर पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, व्यूज़ पर जाना और यहाँ पर आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। ऐसे करके आप पासवर्ड आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हो, जैसे भी आपके पास जितने भी जीमेल आईडी है यहाँ पर पासवर्ड आप आसानी से निकाल सकते हो। तो जैसे मैंने आप लोगों को पासवर्ड निकाल कर बता दिया, यहाँ पर आप आसानी से जिस भी जीमेल से आप पासवर्ड निकालना चाहते हो आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में, आज की वीडियो में आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप आसानी से यहाँ पर पासवर्ड निकालना अपने जीमेल आईडी का आप सीख चुके होंगे। आपको समझ नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पीछे स्किप करके आप देख लीजिए, ताकि आप आसानी से यहाँ पर आपका पासवर्ड निकाल पाओ। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट और हेल्पफुल है। क्योंकि आप जैसे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमको, हमारे जैसे यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर लोगों को आप मोटिवेट कैसे हो पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा एक कमेंट कर देना, ताकि आप जिस भी आप टॉपिक पर आप वीडियो आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक पे हम वीडियो आपके तरह आपके पास ला सकें, ताकि आप उसमें आप आसानी से जिस भी इशू है आप यहाँ पर उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।